नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएनए में। एमएनए यानी कि मंथली न्यूज एंड एनालिसिस, यहाँ हम लोग बात करते हैं प्रीवियस मंथ यानी कि अक्टूबर 2022 से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अंतर्गत अभी हाल ही में ध्यान रखना है कि जो स्वीडन है यहाँ के नए प्रधानमंत्री के तौर पर उल्फ क्रिस्टर्सन को चुना गया है। नाम ध्यान रखना है, यह है उल्फ क्रिस्टर्सन। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही एंजेला मार्कल, इन्होंने भी हाल ही में नैनसेन पुरस्कार जीता है। नैनसेन पुरस्कार जो कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी फॉर एजेंसीज के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो अब्दुल लतीफ रशीद हैं, ये इराक के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में जो टॉम क्रूज है जो कि हॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है, ये एक्चुअली में आउटर स्पेस में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। इसके साथ ही साथ ये जो एक्चुअली में फिल्म शूट कर रहे हैं ये शूट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी फिल्म शूट करने वाले ये पहले अभिनेता बन गए हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है हाल ही में जो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ की प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, इन्होंने अपने 45 दिन के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यूके के नए प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनाक को चुना गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फाइनली 4 वर्षों के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो FATF है इसकी बैठक आयोजित की गई थी, इसके अंतर्गत पाकिस्तान को तो इस ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया, लेकिन जो भारत का पड़ोसी देश है कौन सा, यह है म्यांमार, इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में JY Lee, इन्हें अभी हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में सऊदी अरबिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को चुना गया है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय खबरों की यानी नेशनल अफेयर्स, तो ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न। इस एप्लीकेशन की मदद से कोई भी व्यक्ति सांकेतिक भाषा को सीख सकता है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो आशा पारेख जी हैं इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसका अब नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये जो नाम परिवर्तन है ये असल में जो पंजाब सरकार है और जो हरियाणा सरकार है इन दोनों की सहमति के बाद ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम है ये एक्चुअली में सितंबर 2022 में समाप्त होने जा रहा था, जिसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2022 तक। इसके अलावा ध्यान रखना अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो PFI पार्टी थी यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से लेकर मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही साथ अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक के बीच में जो भारत है असल में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की सहमति दी है, और ये जो भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है यह एक्चुअली में कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो गुजरात का मोधेरा डिस्ट्रिक्ट है यह असल में भारत का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। इसके अलावा जो हैदराबाद है यह वर्ष 2022 का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीतने में कामयाब रहा है। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का किसने जीता है, तो ये जीता है हैदराबाद ने। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके 5वें संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में आरके सिंह के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे देश के रेल मंत्री हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्राइट रेक ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके द्वारा अभी हाल ही में जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो चाहे मेंस की कैटेगरी के हों या फिर वुमेंस की कैटेगरी के, दोनों ही के लिए इक्वल पे स्कीम की शुरुआत की, यानी इसके तहत जो मेंस क्रिकेटर हैं और जो वुमेंस क्रिकेटर हैं उन दोनों ही को समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें राज्य से जुड़ी पिछले महीने की
कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, तो इनमें जो सबसे पहला है यह है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में जो महाराष्ट्र का चिपी एयरपोर्ट था, इसका नाम बदलकर अब नाथ पाई के नाम पर कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने फाइनली बुंदेलखंड टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो हरियाणा है, असल में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अभी हाल ही में 20 बुद्धिस्ट केव को डिस्कवर किया है। कहां किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो तेलंगाना सरकार है, इसके द्वारा आसरा पेंशन की शुरुआत की गई है। और ये जो आसरा पेंशन है, असल में एक वेलफेयर स्कीम है जो कि मेनली जो वृद्धजन है, जो विडोज है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उन लोगों के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सुधाकर सिंह, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बिहार के नए कृषि मंत्री के तौर पर कुमार सर्वजीत को चुना गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है बी डी मिश्रा, इन्हें मेघालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। दरअसल में जो सत्यपाल मलिक है, जो कि पहले मेघालय के राज्यपाल थे, इनका जो टर्म है 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गया, जिसके बाद बी डी मिश्रा, जो कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इन्हें अब मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सत्य निष्ठा नामक एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। इस एप्लीकेशन की मदद से जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं और साथ ही साथ जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इन सभी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश के तेराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी हाल ही में जो तेलंगाना सरकार है, इसने जो एसटी है यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है, इसे 4% और अतिरिक्त आरक्षण देने की घोषणा की है। और ये जो 4% का आरक्षण होगा, राज्य सरकार के जितने भी शैक्षणिक संस्थान है और साथ ही साथ जितने राज्य सरकार के जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, इन सभी में जो एसटी है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, इन्हें 4% का अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में वंदे मातरम इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस इनिशिएटिव की शुरुआत दरअसल में महात्मा गांधी की 153वें बर्थ एनिवर्सरी पर की गई है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान हेलो की जगह पर वंदे मातरम कहेंगे। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, बट इस इनिशिएटिव के तहत ये किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो केरल का पुल्लम पारा पंचायत है, इसे देश के पहले डिजिटल लिटरेट पंचायत के तौर पर घोषित किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो झारखंड सरकार है, इसके द्वारा झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को फाइनली मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में झारखंड में जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो तमिलनाडु का मामल्लापुरम है, इसने ताजमहल को हरा दिया है। किस मामले में? तो नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स के मामले में, यानी कि जो विदेशी पर्यटक हैं, इनकी संख्या के मामले में मल्लापुरम इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ रहा, यानी शीर्ष स्थान पर रहा, वर्ष 2021-22 के डेटा के अनुसार, जो कि द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत जो मल्लापुरम है, इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वाधिक 144,984 विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि इस मामले में ताजमहल दूसरे स्थान पर रहा, जहां वर्ष 2021-22 के दौरान 38,922 विदेशी पर्यटक आए थे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो लद्दाख के एलजी हैं आरके माथुर, इनके द्वारा लद्दाख में सेकंड एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 8 अक्टूबर 2022, और कहां किया गया? तो द्रास में। इसके अलावा ध्यान रखना अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने पहला ऑल वुमेन प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी का गठन किया है। और ये जो गठन है, ये एक्चुअली में बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना अभी हाल ही में जो नितिन गडकरी है, इनके द्वारा 81वें इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। कहां किया गया है? तो ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, 81st इंडियन रोड कांग्रेस। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, इनके द्वारा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बनाया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो असम राज्य सरकार है ना, असम सरकार और साथ ही साथ USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर असम में एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका नाम है TOFI यानी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो लद्दाख के MP है जामयांग शेरिंग, इनके द्वारा मैं भी सुभाष नामक एक कैंपेन की शुरुआत की गई है। यह दरअसल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार है, इसके द्वारा दिया जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन की शुरुआत की गई है। कहां से की गई है? ये नई दिल्ली से की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो दिवाली है, इसे पॉल्यूशन फ्री बनाना। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो गुजरात है, इसने
26 अक्टूबर को अपना नया वर्ष मनाया है और गुजरात का जो न्यू ईयर होता है इसे बेस्टी वर्ष के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे चोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा कुंज ऐप की शुरुआत की गई है। कुंज ऐप जो कि बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने में मदद करेगा। इसके साथ ही साथ जो केरल का एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ अभी हाल ही में ऑनेस्टी शॉप्स की शुरुआत की गई है जो कि क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होगा। और ये जो दुकान होगा इस दुकान में कोई भी सेल्स पर्सन नहीं होगा, यानी कि बच्चे सिंपली उस दुकान से जाकर के जो भी उनकी नीड होगी वो सामान खरीदेंगे और उसके बदले में वो पैसा उसी शॉप पर रख देंगे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना भी हाल ही में जो गुजरात है, ठीक है, इसने फाइनली जल जीवन मिशन के तहत 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्राप्त कर लिए हैं। अब बात करें पिछले महीने की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो इसके अंतर्गत रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इसके अंतर्गत वह है अभी हाल ही में जो अनिल कुमार है जो कि इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में आर वेंकटरमन, इन्हें देश के अगले अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में विनायक गोडसे को जो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। कौन है? विनायक गोडसे। साथ ही साथ नाम ध्यान रखना है, यह है संजय कुमार, इन्हें अभी हाल ही में जो रेलटेल कॉर्पोरेशन है इसके नए एमडी और चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो राजेंद्र कुमार इन्हें अभी हाल ही में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के तौर पर दिलीप असबे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा ध्यान रखना अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन है इसके डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अजय बाडू को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ बताना है आपने कि जो प्रेजेंट टाइम पर इलेक्शन कमिश्नर कौन है, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपने बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो पार्थ शतपथी, इन्हें भारत के अगले एंबेसडर के तौर पर बोस्निया और हर्जेगोविना में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो डॉक्टर संगीता वर्मा है इन्हें सीसीआई यानी कि द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में अपूर्वा श्रीवास्तव को स्लोवाक रिपब्लिक में भारत के नए राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जस्टिस डी वाई चंद्रचूर भारत के 50वें चीफ जस्टिस होंगे और इन्होंने ये एक्चुअली में स्थान लेंगे वर्तमान सीजीआई यूयू ललित का। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना भी हाल ही में जो बंधन बैंक है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो मोहित भाटिया हैं इन्हें बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना भी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने फाइनली यस बैंक के एमडी और सीईओ को अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। और अगले 3 वर्ष के लिए जो यस बैंक के एमडी और सीईओ होंगे ये होंगे प्रशांत किशोर को एक बार फिर से यस बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसके? तो यूएपीए के, यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ बात करें पिछले मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, तो इसमें एक नाम ध्यान रखना है, यह है सिहान करुणा तिलका। क्या नाम है? सिहान करुणा तिलका। ये एक्चुअली में श्रीलंका के ऑथर हैं और इन्हें वर्ष 2022 के ब्रिटेन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो अमेरिकन हिस्टोरियन है इनका नाम है बारबरा मेटकैफ, इन्हें सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो एलेक्सिया पुटेलस हैं और जो करीम बेंजेमा हैं इन्हें वर्ष 2022 के बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है कि जो एलेक्सिया पुटेलस हैं इन्हें वुमेन्स की कैटेगरी में जबकि करीम बेंजेमा को मेंस की कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जिन्हें नहीं पता बैलन डियोर पुरस्कार क्या है, तो ध्यान रखना है असल में फुटबॉल के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साथ ही साथ जो करीम बेंजेमा हैं ये रियल मैड्रिड के खिलाड़ी हैं और जो एलेक्सिया पुटेलस हैं ये बार्सिलोना की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो एचसीएल के शिव नादर, ठीक है, इन ये एक्चुअली में दुनिया के सबसे उदार व्यक्ति के तौर पर चुने गए हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में यूजिंग टांग इन्हें वर्ष 2022 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो हैदराबाद है इसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा बात खेल जगत की करें तो स्पोर्ट्स के अंतर्गत ध्यान रखना है अभी हाल ही में एक इंडियन जैवलिन थ्रोअर है, इनका नाम है शिरपाल सिंह। ध्यान रखना है नाम, शिरपाल सिंह जो कि इंडियन जैवलिन थ्रोअर है, इन्हें अभी हाल ही में डोपिंग टेस्ट के उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक
प्रतिस्पर्धा से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, अभी हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर हैं, इनका नाम है सर्जियो पेरेज, इन्होंने सिंगापुर फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा भारत के जो कप्तान है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 मैचेस खेले हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसने चाइना को हरा कर वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। और ये जो वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये किया गया था सिडनी में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो सऊदी अरेबिया है, इसने यहाँ पर वर्ष 2029 का एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किया जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2029 का एशियन विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। इसके साथ ही साथ जो रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसने फाइनली कंफर्म किया है कि जो गोवा है, यहाँ पर नेशनल गेम्स के 37वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो कि अगले वर्ष अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ भारतीय मेंस जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ सोहर कप 2022 का खिताब जीत लिया है। साथ ही साथ ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो पूजा पटेल हैं, यह पहली ऐसी एथलीट बन गई हैं जिन्होंने योगासन में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो झूलन गोस्वामी है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जो झूलन गोस्वामी है, ये एक्चुअली में इन्होंने अपना आखिरी मुकाबला इंग्लैंड के साथ खेला था। इसके अलावा बात कुछ रैंक्स और रिपोर्ट्स की करें, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, वर्ष 2022 का अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत भारत का एक बार फिर से सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर, और ये लगातार 6वीं बार है जब इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। साथ ही साथ ध्यान रखना, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 भी जारी किया गया। इसके अंतर्गत जो हरियाणा है, वह बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। साथ ही साथ अभी हाल ही में इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 भी जारी किया गया। इसके अंतर्गत फॉरेन टूरिस्ट के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर कुल 1.26 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट के साथ, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है 1.23 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट के साथ। इसके अलावा बात कुछ ऑबिचुरीज की करें, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो मुलायम सिंह यादव है, जो कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। साथ ही साथ अभी हाल ही में बंगाली फिल्म और नेशनल अवार्ड रिसिपिएंट पिनाकी चौधरी का भी 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो असम के एक एक्टर हैं, इनका नाम है विपिन गोस्वामी, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, असम के ये बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं विपिन गोस्वामी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, नहीं है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।